वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम परफेक्ट बेसन का हलवा बनाने की रेसिपी। बेसन का हलवा अगर हम सही मात्रा में सारे इंग्रेडिएंट्स डालें तो काफ़ी आसानी से बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो स्वादिष्ट और परफेक्ट बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म करके रखा। इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। इस घी में हम ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू और बादाम को बारीक काटा है, उसे मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और कुछ किशमिश भी मैंने काट के रखी है। तो हल्का सा बादाम और काजू जैसे ही फ्राई होते हैं तो हम किशमिश भी इसमें डालेंगे और उसे भी फ्राई करेंगे। अगर आप इसमें कुछ और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो काजू और बादाम जो हैं वो थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश कटे हुए। इसे डालकर हल्का सा भुनना है, किशमिश को ज़्यादा भुना नहीं जाता है। ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, इलायची पाउडर को जब हलवा में पानी डालते हैं तब डालते हैं या दूध डालते हैं, तो पर यहाँ पे मैं इलायची पाउडर पहले ही डाल दे रही हूँ और सिर्फ 2 से 3 सेकेंड के लिए उसे सॉटे कर रही हूँ। अब मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और ये जो फ्राइड ड्राई फ्रूट्स हैं और उसका जो भी घी है, जो इसके बचा हुआ घी, सब कुछ हम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ एंड में हम यूज़ करेंगे, इसी वजह से मैं इसे पहले फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। अब हम फिर से कढ़ाई को गर्म करते हैं और इसमें डालते हैं घी। यहाँ पे मैंने घी 1/2 कप ली है। घी जैसे गर्म होता है तो हमें डालना है बेसन। तो यहाँ पे 1/2 कप घी, जो मेजरिंग कप से था वो 1/2 कप का था, उसमें मैंने 1 कप बेसन डाला है। ये मेजरिंग कप 1 कप का है। तो अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं और फिर हमें बेसन और को धीमी आंच पे धीरे धीरे भुनना है। तो इसी में पेशेंस की चीज़ होती है कि बेसन को हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई करना होता है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अगर आप इसे सही तरीके से फ्राई नहीं करेंगे धीमी धीमी आँच पर, तो जब आप हलवा बनाते हैं तो ये मुँह पर चिपकता है। और आप एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इसमें लम्ब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये लम्ब फ्री होके भुनना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इस तरीके से इसका कलर चेंज होते जा रहा है जैसे जैसे मैं इसे भूनते जा रही हूँ। थोड़ा सा इसका कलर आ गया, थोड़ा सा और मैं इसे भूनूंगी तो ये अब बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। बहुत अच्छी तरीके से ये भुन गया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इस टाइम पर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे पानी, और पानी यहाँ पे हमें 1 कप के करीब डालनी है। पानी एक बार में नहीं डालनी है, थोड़ा सा डालने के बाद फिर थोड़ा सा ऐड करना है तुरंत ही। तो थोड़ा सा मैंने अभी डाल दिया है और तुरंत स्टर कर दिया है, अच्छी तरीके से मिला दिया है। थोड़ा सा और डाल रही हूँ और इसके बाद हम पूरा पानी जितने बचे हुए हैं उसको डाल देंगे। और सब लो फ्लेम पर ही मैं कर रही हूँ, धीमी आँच पर बिल्कुल। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी, और चीनी भी यहाँ पर 1/2 कप ली है। पानी डालने के बाद हमें चीनी को भी तुरंत ही डाल देना है और फिर अच्छी तरीके से इस हलवे को मिक्स दे देना है। तो ये जो हलवा रेडी होता है इस वो थोड़ा दानेदार सा भी लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप देख रहे होंगे हलवा का पूरा टेक्सचर आ गया है इसमें और कितना स्मूथ लम फ्री हलवा रेडी हुआ है। कलर भी लाजवाब है इसका। तो इसे अच्छी तरीके से मिला देते हैं। बस हम इसे कढ़ाई में भी जो साइड में है उसे भी निकाल लेते हैं और पूरी अच्छी तरीके से बस मिक्स कर देते हैं। ये जो हमारा हलवा रेडी हुआ है इसे मैं एक बाउल में निकाल दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और अभी जो मैंने इस तरीके का ही पहले से ही निकाल के रख दिया हलवा, इसीलिए कि जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं या इलायची नहीं खाते, घर पर बहुत के बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग ये सब नहीं खाते हैं, तो वो लोग इस तरीके से विदाउट ड्राई फ्रूट्स भी ये हलवा खा सकते हैं। पर ड्राई फ्रूट्स के साथ इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो पहले जो मैंने ड्राई फ्रूट्स और साथ में इलायची को भी डाला था घी के साथ, वो सारे फ्राइड ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे हम अच्छी तरीके से पूरे हलवा में मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टेस्ट और हेल्थ से भरपूर बेसन का बिल्कुल परफेक्ट हलवा रेडी। और अब हम इसे निकालते हैं, सर्व करते हैं और इसको इंजॉय करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप इसे घर पे बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल पेशेंस के साथ बनाएं तो बहुत ही अच्छा हलवा रेडी होता है।
जिन लोगों को भी बेसन का हलवा बनाने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हलवा कैसा बना वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए कितना परफेक्ट हलवा रेडी हुआ है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेकर आऊँगी एक नया कंटेंट, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।